समाज, ये सुन के अच्छा लग रहा है ना, लेकिन अब यही समाज में इतने गंदे गंदे और इतने घिनौने काम होते हैं ना कि अब इसी समाज में रहने की इच्छा भी मर गई है। सही बता रही हूँ मैं, ये जो समाज है ना, समाज में इन लोगों की थिंकिंग मालूम ही नहीं कब कहाँ बदल जाए, कब कैसे बदल जाए, कब किस मोड़ पे जाके वो इंसान इतनी गंदी घिनौनी हरकत कर बैठे, कोई नहीं जानता। ऐसा है हमारा समाज। और वैसे तो सब बोलते हैं हमारा समाज तो बहुत अच्छा है, हमारे समाज में तो ऐसे कोई काम नहीं होता, हमारा समाज इतना अच्छा है कि लोगों को खास तौर से लड़कियों को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता है हमारा समाज। लेकिन जब हकीकत निकल के आती है ना, तो मालूम पड़ता ये है तुम्हारी असलियत, तुम्हारे समाज की असलियत। हाय, दिस इज सपना और मैं आप लोग के लेके आई हूँ थेरी मूवी का बहुत ही इमोशनल सा सीन, जो कि सिर्फ एक मूवी में है, लेकिन ऐसी घटनाएं रोज होती है, हर दिन होती है, हर साल होते हैं हमारे समाज में, हमारे देश में। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका वीडियो और आप देखना इस पर मेरा रिएक्शन। सर ये रूम इसमें रजिस्टर्ड हो चुके सर, डाइंग डिक्लेरेशन इमीडिएट का रिकॉर्ड चाहिए अली। डाइंग? यस सो अया अया ना कूदी की एंगत पट्टी जरो तू सर अया चंद्र विजय, द विक्टिम वाज ब्रूटली रेप्ड अगेन एंड अगेन फॉर द पास्ट 3 डेज़। బ్లడ్ చాలా పోయింది, తన ఇంటెస్టైన్స్ కూడా డ్యామేజ్ అయ్యాయి. మోస్ట్లీ రేప్ చేసిన వాళ్ళు మత్తులో ఉండుంటారు అనుకుంటా. సిమెంట్ రేసెస్ దొరకకుండా ఒక తుప్పు పట్టిన ఐరన్ రాడ్ని. రాజీ అమ్మా, రాజీ ఏం లేదమ్మా, ఇప్పుడు అయ్యగారు అడిగే ప్రశ్నలకి మాత్రం సమాధానం చెప్పు. రాజీ నేను ఎందుకు ఇది అడుగుతున్నానంటే, నీకు జరిగినట్టు ఇక మీదటి ఏ ఆడపిల్లకి జరగకుండా ఉండడం కోసం, ఈ పని చేసిన వాళ్ళకి శిక్ష పడేలా చేయడం కోసమే. తెలుసు, ఒక ఆడపిల్లగా ఇది చెప్పడం ఎంత కష్టమో నాకు తెలుసు. నన్ను నీ అన్నయ్యననుకొని చెప్పమ్మా, నేను చూసుకుంటాను. నా కొడుకు రెస్టారెంట్ తీసుకోండి.
రాజీ పెళ్లి విషయం మాట్లాడుకున్నాం. చెల్లెలు డాక్టర్ చదువుతోంది, ఆ చదువు ఖర్చుంది, ఈ సంవత్సరం నేను పెళ్లి చేసుకున్నానన్న అని చెప్పింది. కానీ ఈ రోజు అదే పిల్లని కాటికి పంపాల్సి వచ్చింది. సార్, ఇంకా నా వల్ల ఏం కాదు, ఎందుకంటే నాకింకా ఇద్దరు కూతుళ్ళు ఉన్నారు. ఏదో ఒకరోజు ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ గాను లేదా వీళ్లకు అన్నగాను మీరేదైనా మేలు చేయగలిగితే దయచేసి చేయండి. यार ये सीन ना क्या बोले यार. वैसे ही मैं बहुत ज्यादा इमोशनल वाली लड़की हूँ, तो मैं कोई सी भी ऐसी सीन देखती हूँ ना तो मुझसे मेरे रहा नहीं जाता यार. मतलब मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती हूँ. और तो ये वाला सीन ऐसा आना कि मतलब सीधा मतलब यहाँ टच करता है. मतलब इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी मैं. और मैं क्या, इस सीन को कोई भी देखेगा ना तो वो रोने से खुद को रोक नहीं पाएगा, इतना ज़्यादा ये इमोशनल वाला सीन है. और ये बिल्कुल सच दिखाया है इसमें जो भी है. वैसे तो ये एक मूवी का सीन था, लेकिन रियल लाइफ में ऐसे दामिनी निर्भया जैसे कितने केसेस हो चुके हैं, और ना जाने कितने लोगों के साथ ऐसा होता रहता है. लोगों की सोच इतनी गंदी हो गई ना ऐसे समाज में कि अब ऐसे समाज में रहना बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता. और रही बात इस वीडियो की ना, तो इस वीडियो में विजय सर ने मतलब उनको एक होप सी थी कि चलो नेक्स्ट मॉर्निंग वो BMW वाले लड़के का पता चल जाएगा और असलियत सबके सामने आ जाएगी किसने उस लड़की के साथ ऐसा काम किया है, घिनौना काम किया है. बट जैसे सुबह होता है तो सुबह होते ही उनके सामने ऐसी न्यूज़ आ जाती है कि वो लड़की उनके सामने ही दम तोड़ देती है. मतलब उसके बाद तो मतलब विजय सर भी बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी हो जाते हैं. बट उसके बाद वो चेयर पटकने लग जाते हैं, तोड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर एक गुस्सा सा आ जाता है. क्योंकि वो उस उनको ऐसे लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि इतनी घिनौनी हरकतें वो ऐसे कर कैसे सकता है. ऐसे लोगों की जो मेंटालिटी ना इतनी गंदी होती ना कि ऐसे लोगों को तो रहने का कोई हक नहीं है, कोई राइट्स नहीं है कि वो रहे इस दुनिया में. और तो जो लोग ऐसे करते हैं हमारे ऐसे समाज में, ऐसे लड़कियों पे बुरी नज़र डालते हैं, बुरे काम करते हैं उनके साथ, ऐसे लोगों को तो ऐसे समाज के अंदर ही इतना कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ना, ताकि जो दूसरे लोग हैं उसे देख के कांप जाए, उनकी रूह कांप जाए, ताकि वो दूसरे कोई किसी और के साथ ऐसी गंदी घिनौनी चीज़ कभी ना कर सके. मेरा तो यही सबसे कहना है, सब लोगों से, कि जो भी लोग ऐसे करते हैं ना, ऐसे गंदे काम करते हैं ना, उन लोगों के लिए यही मैसेज है कि यार तुम लोग जो एक फीमेल की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, पर तुम ये क्यों भूल जाते हो कि तुम्हें जो जिसने जन्म दिया है वो भी एक फीमेल ही है. तुम ये चीज़ क्यों भूल जाते हो. और तो अच्छा है ना, ऐसी मूवीज आएंगी तभी तो लोग देख के कुछ तो सीखेंगे, कुछ तो उनका दिमाग खुलेगा. तो बेटर है कि ऐसे मूवीज आती रहे और ऐसी मतलब जिसमें ऐसी मूवीज में जो लोग देख के कुछ ना कुछ उनका अकल खुलेगा, ऐसे उनका दिल तो पिघलेगा ऐसे सीन देख के. हाँ तो अच्छा है, अच्छी मूवीज आएंगी अच्छे मैसेजेस के साथ, तो लोगों पे भी उसका असर पड़ेगा. तो फ्रेंड्स, आपको मेरा इस वीडियो पे रिएक्शन कैसा लगा मुझे जरूर बताना आप कमेंट करके. और हाँ, मेरे चैनल पे नए होना तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को हिट जरूर करना, ताकि मैं आपको फिर से मिलूं, जल्दी मिलूं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.